गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टैंडर्ड 7 संस्कृत चैप्टर 7 सुक्तयः। मैंने आपको सुक्तयः समझाया था चैप्टर और वर्कबुक में भी लिखवाया था, ये लिखा था, इतना आपको मैंने फोटो भी भेजी थी, आपने शायद लिखा भी होगा। अब आगे चैप्टर लिखवा रही हूँ, जो ट्रांसलेशन है चैप्टर का वर्कबुक में वो आपको मैं लिखवा रही हूँ। मैंने यहाँ तक बुद्धि यश्य बल तस्य, मैंने यहाँ तक आपको ट्रांसलेशन के फोटो मैंने भेजे थे वर्कबुक के। अब मैंने ये लिखा है शरीर मध्य खलु साधन, शरीर मध्य खलु साधन। यानी खरेखर शरीर धर्म का पहला साधन है। प्रस्तुत इसका भावार्थ में हिंदी में समझा रही हूँ। प्रस्तुत सुक्ति शरीर स्वास्थ्य नु महिमा गान है और शरीर को आत्मा का मंदिर भी कहा है। शरीर जो है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। और वो अपना शरीर जो है परमात्मा का प्राप्त करने का अपना साधन भी अपने बना है। इस दुनिया में मनुष्य को उसके माता पिता गुरुजनों देश बांधव लोग उनकी फर्ज अपने बजाने की है। जैसे अपने माता पिता का ध्यान रखना है, गुरु का और अपने देश का भी अपनी फर्ज बजाने का काम करना है। और यही सब काम करो उसको ही धर्म कहते है। और इस धर्म का पालन किससे होता है? अपने शरीर से, बराबर। मैंने पहले भी आपको ये बताया, 2-3 बार मैंने बताया है कि अपना शरीर जब तक स्वस्थ रहेगा तब तक मन और आत्मा कुछ नहीं कहेगी। लेकिन शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन और आत्मा कुछ भी कहेगी लेकिन शरीर उसका साथ देगा नहीं। तो पहला आपने क्या करना है, पहले अपने को शरीर स्वस्थ रखना है। उसी से ही अपने ये सब अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को शरीर स्वस्थ रखना जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम सब कुछ काम कर सकते हो। तो शरीर मात्र खलु धर्म साधनम, बराबर। इतना मैंने समझाया। अब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ए फाइटफुल, ए सेल्फ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट फैशन
अब मैंने श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बराबर यहाँ तक मैंने समझाया। अभी ये यहाँ तक मैं लिखा मैंने, और इसको आपको वर्कबुक में लिखना है, तो इसका मैं फोटो वर्कबुक का भी भेजती हूँ और डाइजेस्ट का भी भेजती हूँ। आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आए तो इसमें से देखकर आप लिख सकते हैं, ओके। लेकिन आपका वर्कबुक नोटबुक कंप्लीट चाहिए। ओके, बाय।